नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइफ टीज को। राज्यसभा में जाने के लिए रामविलास पासवान ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से, अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से रामविलास पासवान और चिराग पासवान अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं और किस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। बात असल ये है कि सभी नीतीश कुमार की सरकार से, रामविलास पासवान से, एनडीए सरकार से, क्या जो मुजफ्फरपुर में 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो रही है, अभी भी संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या उन मौत का जिम्मेदारी कौन लेगा, उस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, और क्या अभी भी मुख्यमंत्री मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से क्या कुछ कह रहे हैं रामविलास पासवान, और अंदर की तस्वीर देखिए किस तरीके से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद फोटोज हो रहे हैं और मीडिया कर्मी को धकेला जा रहा है। जब नीतीश कुमार से तक पूछा गया कि क्या आप मिलने जाइएगा कि नहीं जाइएगा, तब भी उन्होंने कोई जवाब तलब नहीं किया। आइएगा कि नहीं कम से कम ये तो बताइए, आइएगा कि नहीं कम से कम ये तो बताइए, आइएगा कि नहीं कम से कम ये तो बताइए। उनकी जो चुप्पी है वो लगातार बनी हुई है, देखते हैं आने वाले समय में ये चुप्पी उनकी टूटती है नहीं टूटती है, या फिर और भी बच्चों का दम टूटता है, क्या टूटेगा। विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हम हर खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद। सर, 160 बच्चे, जाइएगा कि नहीं कम से कम ये तो बताइए।